Brought to you by Khata Book. मैं बाद में दे दूँ। देखिए अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर घमासान जोरों पर है। इस घमासान के बीच इमरती देवी पर कमलनाथ के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मंच से पलटवार करते हुए इसे प्रदेश की बेटियों का अपमान बताया और कमलनाथ की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि किस दिशा में राजनीति को ले जा रहे हैं कमलनाथ। ताकि अपनी जनता की सेवा करते रहे। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मेरा अपमान कोई दिक्कत नहीं, मैं सहन करूंगा, लेकिन आज कमलनाथ तुमने अन्याय किया, सीखी है पराकाश तक किया तुमने अन्याय की। तुमने चंबल माटी की एक बहन की, ग्वालियर जिले की एक बेटी का अपमान किया है। ये डबरा कैसे? वो वीडियो मैंने अभी अभी सुना, अभी दिन भर में नहीं सुन पाया था, अभी गाड़ी में बैठे बैठे सुना मैंने। इमरती देवी गरीब के घर पैदा हुई होगी, इमरती देवी मजदूरी कर करके विधायक बनी और मंत्री बनी, इमरती देवी अनुसूचित जाति में पैदा हुई होगी, लेकिन किसी गरीब की बेटी का अपमान करने का अधिकार तो मैं क्या? ये कमलनाथ सेठ कहते हैं इमरती देवी तो आइटम है, आइटम है, शर्म आनी चाहिए कमलनाथ। किसका अपमान कर रहा तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या माँ बहनों की, माँ बहनों और बेटियों के सम्मान के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की इजाजत देंगे आप? किसके सामने राजनीति को ले जा रहे? कमलनाथ का बयान अब बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी हमलावर है तो मुख्यमंत्री कमलनाथ को याद दिला रहे हैं महाभारत की। साथ ही शिवराज ने यह भी कहा कि वो गांधी जी की प्रतिमा के सामने भोपाल में मौन धरना देंगे। क्या गरीब बेटी का अपमान किया जाएगा? क्या बहन और बेटियों को कोई सम्मान नहीं है? क्या उनके सम्मान को पैरों तले कुचला जाएगा? कमलनाथ जी ये सोच लें कि ये वो देश है जहां द्रौपदी जी के अपमान पर महाभारत हो गया था। अपमान मध्य प्रदेश की जनता सहन नहीं करेगी। धिक्कार है कमलनाथ जी को, जो इतने घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं, एक बहन को अपमानजनक शब्द कह रहे हैं, इसको प्रदेश सहन नहीं करेगा। मुझे तो आशीर् होता, मैं भी मुख्यमंत्री हूँ, रहा भी हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहा मैं, थोड़ी आज तक नीचे करो भैया। हमने कभी ऐसा अपमान नहीं किया, मन मन आत्मराज्य से भरा है। मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले एक व्यक्ति इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है एक बहन का, और इसलिए मुझे पता नहीं वो प्रायश्चित करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं प्रायश्चित भोपाल में दो घंटे मौन रखूंगा, स्थान का चयन करेंगे गांधी जी की प्रतिमा पर। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ डबरा में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने डबरा से बीजेपी के प्रत्याशी इमरती देवी पर तंज कसते हुए कहा कि आप तो उसे मुझसे ज्यादा पहचानते हैं, आपको मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था, ये क्या आइटम है? अब कमलनाथ का ये बयान उपचुनाव में उनके लिए मुसीबत बन गया है। बीजेपी ने इसे महिला का अपमान बताकर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, एमपी तक।